सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में फ्री फायर गेम को कैसे खेल सकते हैं, वो भी बिना डाउनलोड किए। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना होगा, बिना इंस्टॉल किए भी आप अपने फ़ोन के अंदर फ्री फायर को आसानी से खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आज के बताए हो आप मेरी वीडियो के इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आसानी से खेल सकते हैं फ्री फायर गेम को। चाहे फ्रेंड्स आपका कोई भी फ़ोन हो, उसकी रैम कितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस आप मेरी बताई हुई ट्रिक को फॉलो करो और आप भी खेल सकते हो फिर फ्री फायर गेम को अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, बिना डाउनलोड किए फ्री फायर खेलने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। फ्रेंड्स, फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको ये ऐप्स वाला आइकन फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मैनेज ऐप्स का एक आइकन आ चुका है। फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आया है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप प्ले स्टोर सर्च कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ये आ चुका है। फ्रेंड्स, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा के नाम से। फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इसका पूरा डाटा आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके क्लियर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब सिंपली आपको बैक अपनी होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकाउंट का ऊपर जो लोगो मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है, फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर में जो ऑप्शन मिलेगा जनरल सेटिंग्स का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ध्यान से देखना है, ये जो ऑप्शन है गूगल प्ले इंस्टेंट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये आपको देख सकते हैं ये जो ऑफ होगा, फ्रेंड्स आपको ये बटन सिंपली ऑन कर देना है। तो दोस्तों, मैंने ये ऑन कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको मैं बैक जाकर फ्री फायर डाउनलोड बिना करे खेल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने फ्री फायर सर्च कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्री फायर सर्च करने के बाद आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन में देख सकते हैं पहले ओनली इंस्टॉल का ऑप्शन आता था फ्रेंड्स, पर मेरी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे ट्राई नाउ का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ट्राई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्राई नाउ पर क्लिक कर दिया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ थोड़ा वेट करना है आपको, ये थोड़ा लोडिंग होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे वेट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ्री फायर ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ नहीं किया, सिर्फ बिना डाउनलोड किए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और देख सकते हैं ये कितना अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये करके सेटिंग जो मैंने अभी बताई, ऐसे ही आप फ्री फायर खेल सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, जो है आप कुछ स्टेप फॉलो करके अपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर फ्री फायर गेम को बिना डाउनलोड किए आसानी से खेल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्यूचर में ऐसी ट्रिक वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।